गाइस इट्स आवर लास्ट डांस ऑन सर, क्या हाल चाल है आपके, क्या हाल चाल है? आज शायद सावन का आखिरी सोमवार है, तो दोस्तों चलते हैं अपनी व्हाइट शेडो के साथ मिलने में जाना है। उन्होंने पैर दे दिया, मैं क्या बैठ रहा चल मैं क्या हेलमेट ले आ, मैं क्या चल मिलने चलना क्या हर स्टोरी का अगर एक हैप्पी एंडिंग ना हो तो वो हैप्पी एंडिंग नहीं है दोस्तों। इट्स आवर लास्ट डांस ऑन बियर्ड। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हिमाचल ड्रीमर पे। तो आज का जो हमारा ये ब्लॉग होने वाला है, ये आज हमारा लास्ट एग्जाम है बियर्ड का। तो आज आपको मैं सभी को दिखाने वाला हूँ। पिछला वाला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा। वो वाला ब्लॉग बनाया था मैंने जब हमारे बीएड के फाइनल एग्जाम की स्टार्टिंग हुई थी, और आज हमारे बीएड का लास्ट डे है। तो आज सभी को हम इस ब्लॉग में लेंगे, सभी से कुछ अच्छी मेमोरीज, कोई बुरी तो नहीं पूछेंगे, सब कुछ अच्छा ही पूछेंगे इस वाले ब्लॉग में। तो फिलहाल मैं इस वाली लोकेशन पे अपने व्हाइट शेडो के साथ हूँ। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस ब्यूटीफुल से ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि इट्स टाइम टू लीव द ट्रेन एंड कैच द न्यू डेस्टिनेशन। तो दोस्तों चलते हैं अनु कॉलेज और वहाँ पे मिलाते हैं आपको सभी दोस्तों से। आयुष के साथ स्वागत है सर। सीनियर सिटीजन सर, क्या चाल है आपके, क्या चाल है? सबसे पहले तो हाथ मिलाएंगे हम, आगे चलिए माम जी आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे आप बीएड के उपयुक्त में? हमारे सीनियर सिटीजन बताएंगे पहले, क्या सीनियर सिटीजन बताएंगे पहले, सीनियर सिटीजन बताएं कुछ, आप कैमरा में क्यों नहीं आना चाहते पहले ये बताएं, पहले पहले रीजन ये बताएं। सीनियर सिटीजन को नाम नहीं पता, इसका साइंटिफिक नेम भी पता लगी क्या पी रहे हैं? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। पियर है आप कुछ कहना, नीतीश जी कुछ कहना चाहेंगे ब्लॉग में? जल्दी जल्दी बोले यार, लास्ट आज ना मतलब लास्ट वीडियो बन रही है, क्या पता मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कुछ पता नहीं है, कुछ बोलिए। बताओ बताओ जल्दी बताओ, कुछ अपने दोस्तों के बारे में कुछ बोलो बीएड में कि बंदा क्या नाम रहा है याद में उसका याद आ रहा अपना वो ध्रुव राठी जी, ध्रुव राठी जी क्या कहना चाहेंगे आप? ध्रुव राठी शांताचार्य है, काय काय मत करू प्रभु के जरा सौरभ जी क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ अपने दोस्तों के बारे में बताएं, कुछ टीचर्स के बारे में बोले, बीएड के बारे में कुछ तो बोले। पहले तो राती डेढ़ दो बजे पाया शांत प्रचार ही रहा और रात को डेढ़ बजे दिखा चार बजे शांत हुआ ये बट दैट भी मान लेते हैं शेयर करेंगे रजू की तरह मान लेते हैं सुगर कैप्चर जा कहां है रजू है कहां पे भाई रगे वो आप कट दे मत हां रुक रुक कर एक मिनट बंदे भी था विशाल जी, विशाल इंटरव्यू मला तो लग ही रहा भाई जी क्या हाल चाल है ब्रो और क्या तो बंदे चली गए डोली ब्लॉग है। हेलो हेलो वेलकम टू माय ब्लॉग करवाओ, इनके ब्लॉग जॉब करवाओ। आज विशाल जी कुछ जल्दी इसके मामा ले ले मैं तू से दसो कुछ कुछ अपने दोस्त के बारे में, कॉलेज के बारे में, कुछ पारुल जी के बारे में। निशान से मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने जीओआईटी 817 निकाल दिया है कल रात को, ये थैंक्स ये मेरे पास आए थे कल रात परसों रात को निकाला है, यही थी दाई ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। अब शादी के लिए वधू ढूंढ रहा हूँ मैम, यहाँ बैठा है हमारा मैम, ही इज द मोस्ट लॉयल जो पता नहीं है कि क्या बन रहा है चने की दाल ही मिल रही है उबाल उबाल के खानी मिल रही है। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से यही क्या बोलते हैं निवेदन करना चाहूंगा कि अमन जी को डिपू में ज्यादा से ज्यादा राशन दिया जाए और उनको मलका मसर की दाल भी प्रोवाइड करवाया जाए। गुड क्वेश्चन। गोलू जी कैसे आप, ठीक है? क्या हाल चाल है गोलू जी? पानी पड़ गया और कुछ विशाल जी जल्दी 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 कुछ बोलिए, टाइम हो रहा है यार, मेरे मुंह से नहीं आ रहा, कहीं कहीं और से निकल रहा है मेरे, पर किसके मुंह में डालो हम के मुंह में आपके मुंह में पानी क्यों आ रहा है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा लेना अपने वाले। हाय विशाखा, हाय हाय हाय
और जी भाई जी भाई जी आपने हमें सुने गूगल आई थी उसे और जी प्रीतम जी कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने फ्रेंड के बारे में बीएड के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे बड़े डीप आज पढ़ रहे हो आप क्या पढ़ रहे हो आज आप सेल्फ प्रोनाउन यार ये नहीं आएगा यार आप यहाँ पे कुछ बोलो जल्दी से जल्दी जल्दी कुछ बोलो मौन व्रत क्यों धारण किया आज आपने करेंगे तरह मौन व्रत धारण है इन मौन व्रत धारण किया सचो का जो और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी ओनली चैट अच्छा मैसेज लेके क्या हुआ बता अंदर क्या हुआ भाई आपको क्या है तो ज्यादा ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं आवी थी था ये तो होना ही था समझा था कोई एंटी गार्ड कर बैठा दोस्तों जी मिले में जाना था उन्होंने पैर दे लिया मैं क्या बैठ चल मैं क्या हेलमेट ले मैं घूम ले चल मिले चलना क्या हो ठीक नहीं हो रहा सर आप गलत कर रहे सर आज इससे कोई पूछना हो तो क्या पूछ कर इसका आंसर बताना था नजर तो आ रहा होगा पर्चू तो दिखी लगा टीचर पूछेगा कैसे रोल नंबर ये प्रेजेंट सर कैसे बोलेगा आप ये प्रेजेंट कैसे बोलेगा रोल नंबर बुलाना प्रेजेंट पीस एंड दि शेडो की देखो कितनी प्यारी लग रही है और वापस मैं आ चुका हूँ पेपर वगैरह देख के मेरे को मिले मैं शूट नहीं कर पाया ऐसे ही मैंने मतलब बातें वगैरह की उसको मैंने शूट नहीं किया तो इट्स से तो गुड बाय एंड नया टाइम आ चुका है नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है आज से और दोस्तों मेरे को एक ज़रूरी काम पड़ गया एकदम से तो मेरे को अपनी रूम की साइड आना पड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट काम पड़ गया तो मैं ढंग से किसी से मिल नहीं पाया बट इट्स नॉट अ हैप्पी एंडिंग अगर कहते हैं कि हर स्टोरी की अगर एक हैप्पी एंडिंग ना हो तो वो हैप्पी एंडिंग नहीं है दोस्तों तो अभी इस वाली लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं और मौसम बताता हूँ आपको कितना ज़्यादा नीला हुआ है और मतलब धूप इतनी ज़्यादा पड़ी हुई है ना मतलब चिपचिपा वाली गर्मी है तो हो सकता है रात तक बारिश आ जाए क्या व्यू है यार क्या व्यू है अल्टीमेट तो आज की हमारी वीडियो ये थी पे तो चलिए जल्दी से रूम चलते हैं फिर उसके बाद वो काम करवाते हैं फिर देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगा हमारा तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे दोस्तों आपको मैंने जो मेरा फर्स्ट व्लॉग आया था जब तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे तो उसमें मैंने अपने आधे दोस्तों को बताया था तो इस वाले व्लॉग में मेरे आधे दोस्त और जुड़े हैं जो भी मेरे को दिखे थे और जो टाइम पर नहीं आ पाए थे वो मतलब नहीं हो पाए हमारे व्लॉग में तो कोई बात नहीं हम इसके बाद मैं हॉस्टल में हम दोस्त कॉलेज जाएं और अभी टीचर्स से भी मिलना बाकी है क्योंकि इतनी सारी यादें जुड़ी हैं हमारे कॉलेज से हमारे टीचर से हमारे दोस्तों से तो हमारे हम कॉलेज भी ज़रूर जाएंगे आज हमारा बीएड का सेशन वो ख़त्म हो चुका है और आज से एक नई ट्रेन की और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हो चुकी है तो फिलहाल ऐसा करता हूँ दोस्तों मैं रूम पे चलता हूँ और वो काम वगैरह निपटा लेते हैं हम फिर उसके बाद करता हूँ मैं आपसे बात दोस्तों 5 बजने वाले हैं और अपने कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए और काम भी मेरा ख़त्म हो चुका है तो कपड़े मैंने चेंज तब किए क्योंकि यार बहुत ज़्यादा धूप बरस रही थी और जो ब्लैक कलर है ना वो अट्रैक्ट बहुत करता है हीट को तो मैंने सोचा कि कपड़े चेंज करते हैं अभी मैं जा रहा हूँ गसोत्तम महादेव आज है मंडे और आज शायद सावन का आखिरी सोमवार है तो दोस्तों चलते हैं अपनी व्हाइट शेडो के साथ और आपको भी दर्शन करवाते हैं महादेव जी के और खुद भी करते हैं गसोत्तम से थोड़े से पीछे हूँ मैं और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा टेंपल देखने को मिला और यहाँ पे ये ब्रिज है और ऐसी कुछ प्रकार की लोकेशन है आपको देख सकते हो तो
ओम नमः शिवाय शाम शदा शिव शाम शदा शिव तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारी लास्ट डांस ऑफ बीएड। तो मैं अपने जो भी मेरा दोस्त ये मेरा ब्लॉग देख रहा है उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा उनके अगले वाली लाइफ की फेज के लिए। तो दोस्तों ऐसा करता हूँ, इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।